प्रधानमंत्री मोदी 9 जून यानी आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बताते चलें कि शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत के 7 पड़ोसी देशों के लीडर्स को न्योता दिया गया है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार सुबह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पहली बार भारत पहुंचे। उनके ठीक बाद मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ बिदुल्ली आए। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना एक दिन पहले ही शनिवार दोपहर ही भारत आ गए थे। इनके अलावा इस समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के पीएम प्रचंड और भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताते चलें कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत इन देशों को समारोह में बुलाया गया है। विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में की गई है। इनमें ITC मौर्या, ताज होटल, ओबेरॉय, कैलरी जेस और लीला होटल शामिल हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री और दिल्ली की आर्म पुलिस के 2500 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा इलाके में स्नाइपर और पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। विदेशी लीडर्स के एयरपोर्ट से होटल और वेन्यू तक के रास्ते की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस कार्यक्रम के लिए शनिवार को ही भारत आ गई हैं। हालांकि सभी विदेशी मेहमानों में सबसे ज्यादा नजर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के दौरे पर रहेगी। शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण स्वीकार करते हुए मुइजू ने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं पीएम मोदी के साथ मिलकर मालदीव भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। इससे पहले 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा था। इसके तहत पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद राजपक्षे समारोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा शेख हसीना की जगह बांग्लादेश के हाउस स्पीकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 2019 में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने बिम्सटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। समारोह में किर्गिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।